भाई आप 24 घंटे में से कभी भी आए हो, इतनी भीड़ मिलने वाली है आपको। अच्छा, पूरे इंडिया में ऐसी पूड़ी की मेकिंग मैंने कहीं नहीं देखी भाई। और जितनी भीड़ आपको शाम को या सुबह मिलेगी, उतनी ही रात को भी मिलेगी। ये पूड़ियाँ मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में खत्म है। हल्की सी मिर्ची ज्यादा है, पर मजा आ रहा है उस मिर्च का। गाइस एक बार क्राउड देख लीजिए, बेकाबू हो रहा है। और यहाँ ये क्राउड 1% पे नहीं है, 24 घंटे खुले रहती है दुकान। जय श्री राम दोस्तों। भाई हम आ चुके आगरा, विनय भाई हमारे साथ में, तीसरी चौथी बार हम आगरा आ रहे हैं। और विनय भाई हमारे लिए हर बार नया नया कंटेंट हमें बताते रहते हैं, तो एक ऐसा ही कंटेंट है श्री राम पूड़ी वाले, श्री राम मिष्ठान भंडार। मिष्ठान भंडार को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मिठाई तो इनकी फेमस है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा यहाँ की पूड़ियाँ फेमस है। इतना क्राउड आपको किसी पूड़ी सब्जी की दुकान पर नहीं मिलने वाला, जैसे मेकिंग करते हैं वैसे आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलने वाले। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगरा फोर्ट के जस्ट साथ में हम खड़े हुए हैं दोस्तों। एक बार आटा देख लीजिए पूरा यहाँ पे, मतलब सब ने अपना अपना काम रखा हुआ है। और ऐसा नहीं कि 10 से 15 लोग जो है, ये देखिए अंकल जी यहाँ पे सामने, हर उम्र के मिलेंगे आपको यहाँ पे काम करते हुए। तो पूरे इंडिया में ऐसी पूड़ी की मेकिंग मैंने कहीं नहीं देखी भाई, जो श्री राम मिष्ठान भंडार यहाँ कर रहे हैं ना। इतने लोग सिर्फ पूड़ी बनाने के लिए, कम से कम 10 से 15 लोग हैं यहाँ पे जो मिलकर पूड़ियाँ बना रहे हैं। और भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया। कैसी हैं की पूड़ियाँ? बहुत बढ़िया, बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में बनती है। और सुना मैंने 24 घंटे बंद रहती है यहाँ पे, एक भी घंटे बंद नहीं होती दुकान। साफ सफाई के लिए एक घंटा के लिए, मतलब तो साफ सफाई के लिए एक घंटा बस, बाकी पूरे 24 घंटे खुले रहती है। सो गाइस काम देखो, पूरी टीम ऐसे लगी हुई है, एक भी अंदर जो भी काम कर रहा है वर्कर ऐसा नहीं फ्री बैठा हुआ, सबका अपना काम है, पूरी टीम वर्क के साथ। बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में यार। और सर मुझे पता चला कि 24 घंटे शॉप खुलती है? 2 घंटे के लिए बंद होती है सफाई के लिए। अच्छा, सारी क्लीनिंग होती है, सारी बर्तन धुलते हैं, कढ़ाइयाँ धुलती है, मस्त है। ये 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बंद रहता है, बाकी 22 घंटे स्टार्ट रहता है। 22 घंटे पूरी रात भर रेस्टोरेंट वो बंद हो जाता है। सुबह मॉर्निंग 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, दैट्स इट। उसके बाद फिर बाहर पूरी वगैरह मिलता रहता है। अच्छा, बाकी काम बाइंड अप हो जाता है। और कितने साल पुरानी दुकान है ये? अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स हो चुके हैं। 50 ईयर्स हो चुके हैं, अमेजिंग। और जितनी भीड़ आपको शाम को या सुबह मिलेगी, उतनी ही रात को भी मिलेगी। हमारे विनय भाई है, इन्होंने बताया कि भाई रात को 2-3 बजे मैं आऊँ यहाँ पे, इतनी भीड़ मिलेगी। भाई आप 24 घंटे में से कभी भी आए हो, इतनी भीड़ मिलने वाली है आपको। अच्छा, ऐसी बनते रहते हैं यहाँ पे? बिल्कुल। क्या बात है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, कोई ऐसा नहीं, सिंपल फूड जो कितने सालों से चलता हुआ रहा, जो आपके दादाजी भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। सर मुझे बेस्ट यही लगता है दोस्तों, जब हम फूड कवर करते हैं ना, अगर कोई अब ऐसी डिश होती है जो काफ़ी सालों से चलती हुई आ रही है, फ्यूजन फूड नहीं, ये चीज़ चाइनीज़ ये सब नहीं, देसी खाना। ये पूड़ियाँ मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में ख़त्म है। और ये आपको पता चल रहा होगा जिस स्पीड से खाना बन रहा है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि पूड़ी कोई ठंडी तो खाएगा नहीं, गर्म गर्म पूड़ियाँ इतनी जल्दी ख़त्म होती है, शायद मैं 10 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया। तो भाई ये बाल्टी आ चुकी है सब्ज़ी की, जिसके ऊपर आपको मखाने दिख रहे होंगे, धनिया दिख रहा होगा। गाइस एक बार क्राउड देख लीजिए, बेकाबू हो रहा है। और यहाँ पे आपको बहुत सुपर फास्ट काम करने वाले वर्कर्स दिख रहे होंगे। सब्ज़ी देखिए सामने से आ रही है भर भर के, ऊपर मखाने तैर रहे हैं और साथ में धनिया, और साथ में सिर्फ पूड़ी नहीं है इनके पास, समोसे भी हैं, कचौरी भी है, और वहाँ मिल रही हैं पूड़ियाँ। अंदर प्राइस है 70 रुपये की प्लेट है, बाहर अंकल जी बाहर क्या रेट है? हमें 25 की 5 है। हर कस्टमर बाहर खाना पसंद नहीं करता, बिल्कुल, तो वो कम से कम ये अपने वाइफ बच्चों को लेकर के अंदर आराम से बैठ सकता है, इसलिए 4 टेबल 4 कुर्सियाँ डली हुई थोड़ी सी उसमें। तो आदमी जो है, अच्छा जो अधिकारी होता है या फैमिली लेके आया है, वो अंदर आराम से खा सकता है। बाहर ये है कि मेला चलता रहता है अपना, बस स्टैंड किसी को बस पकड़नी, जल्दी किसी को ट्रेन पकड़नी है, तो अपना फटाफट एक मंचिंग लेकर लेता है, फटाफट निकल जाता है, इसमें वेटिंग पीरियड बहुत कम। ये आइडिया मुझे बहुत ही बढ़िया लगा सर, कि एक तो ये भी कि कोई भी बजट का इंसान आ रहा है यहाँ पे वो खा सकता है।
अगर आपका ज्यादा बजट है आप अंदर गुलाब जामुन में खाइए, कम बजट है तो बाहर रहिए। रेट दोनों अंदर बाहर बिल्कुल सेम है, बस अंदर खूबी है कि इसमें आप दो तीन आइटम और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इस वजह से वो 70 रुपीज दिखता है। उसमें बूंदी का रायता होता है, दो तरीके की सब्जी हो गई, गुलाब जामुन हो गया, पिकल हो गया, मिक्स पिकल, छह पूरी हो गई, तो ये व्यवस्था अंदर है। बाकी केवल पूरी सब्जी आपको जायका लेना है तो आप दोनों में ले सकते हैं, 25 रुपए की 5 पूरी है, मजा लीजिए। बहुत एक कमाल का आइडिया, और सच में कोई भी आएगा यहाँ पे, यहाँ पे कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। ये बिना कस्टमर्स के प्यार के तो आप नहीं भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल सर, ना आप में वो जोश मिलेगा आपको काम करने के लिए। जी। आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड। सही बात, हमारा कस्टमर हमसे 100% सेटिस्फाइड। बिल्कुल गाइस, 24 घंटे दुकान खुली हुई है, भूलिएगा मत, क्योंकि बसों का काम ये 24 घंटे है, दिल्ली आगरा ये चलता रहता है, तो खाने की व्यवस्था इन्होंने रखी हुई है। एक तरीके से मैं कहूँगा हेल्प ही है गाइस, क्योंकि 2 बजे अगर आप आए बस से, आप खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा इनके अलावा। तो आपको एक बार प्लेट दिखाता हूँ मैं, क्या क्या मिलने वाला है प्लेट में, जिसमें सब्जी है पेठे की भी रहेगी, साथ में आगे आलू की सब्जी जो कि पूड़ी के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती है, तो और ऊपर से हल्के ही छोले भी आएंगे और रायता। तो प्लेटें ऐसी लगती रहेंगी गाइस, और जैसे आप टेबल पर बैठेंगे तो आपको सर्व होता रहेगा। अच्छा, गुलाब जामुन भी है, ठीक है सर। पूरी प्लेट का प्राइस क्या रहता है? 70 रुपये। उसमें कितनी पूड़ियाँ? 6 पूड़ी। ओके, परफेक्ट। तो चलिए गाइस, एक कमाल की प्लेट देखिए एक बार, आपको करीब से दिखाता हूँ। ये छोले नहीं थे मखाने हैं ऊपर, और साथ में आलू की सब्जी, कमाल का ऊपर रोगन देखिए, साथ में आप पेठे की सब्जी, सब्जी वगैरह अनलिमिटेड है यहाँ पे, ठीक है। और यह रायता। तो विनय भाई हैं भाई, जब भी हम आगरा आते हैं विनय भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें एक्सप्लोर करवाते हैं, और इनका पेज है प्रोडिक्टेड आगरा, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको भी जरूर चेकआउट करिएगा। अगर आप आगरा के लोकल हैं तो बेस्ट फूड यहाँ पे ब्लॉगिंग यही है, सबसे ज़्यादा आपको रिकमेंडेशन यही देंगे। चलिए मैंने भाई ट्राई करते हैं, 70 रुपये की प्लेट भाई लग बड़ी कमाल रही है, वो 24 घंटे पूड़ी बिक रही है यार, बड़ी बात है यार। 24 घंटे? अच्छा, भंडारे का स्वाद, हल्की सी मिर्ची ज़्यादा है पर मज़ा आ रहा है उस मिर्ची में, जैसी सब्ज़ी मुझे पसंद है, मसालेदार मिर्ची वाली बिल्कुल वैसी है। आ हा भाई, मज़ा ही आ गया सच में, मैं तो नाश्ता भी से इतना चाहूँगा और डिनर भी, इतना टेस्टी लग रहा है। मुझे पता चला बाहर जो पत्ते में डोने में ले रहे लोग, उनकी प्लेट सस्ती है, वहाँ पे क्या प्लेट? वहाँ पे आपको सिर्फ पूरी मिलेगी और सब्जी मिलेगी। अच्छा, रायता वायता नहीं मिलेगा? रायता नहीं मिलेगा, एक सब्जी मिलेगी, एक सब्जी मिलेगी। कौन सी, आलू वाली? वो वाली आलू वाली रहती है, तो वो 25 रुपये की 5 है। अगर आप अंदर बैठ के नहीं खाना चाहते, इस तरीके से नहीं खाना चाहते, आप जल्दी में बाहर डोने लगे हुए, 90% क्राउड वही खाता है। बिल्कुल 25 की 5 पूड़े मिलेंगी आलू की सब्जी के साथ, क्योंकि बहुत बढ़िया है यार, मुझे लग रहा है। अभी पेठे की सब्जी ट्राई करते हो, स्वाद तो भाई दोनों भाई, खट्टी मीठी पेठे की सब्जी और स्पाइसी आलू की सब्जी। डेफिनेटली मैंने आगरा में और भी जगह पूरी सब्जी खाई है, बट ये उस लिस्ट में टॉप रहेगी। बूंदी वाला, बूंदी जीरा और लाल मिर्च, बेस्ट पूरी सब्जी वाली थाली आगरा में। 25 रुपये में आपको सिर्फ पूरी सब्जी मिलेगी, 70 रुपये में पूरी थाली मिलेगी आपको, सब्जी अनलिमिटेड है, जितनी बार आप चाहें रायता सब्जी दोबारा मिलवाइए आप। और गुलाब जामुन भी ट्राई कर लेते हैं। भाजी दिल्ली में तो नहीं, मैंने गाज़ियाबाद में शुरू कवर करी है, सयाजी पूड़ी वाले, उनकी भी बड़ी टेस्टी थी वैसे। हाँ, तो दुकान 7 दिन खुली रहती है, 24/7। डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए आपको, इससे बेस्ट पूड़ी सब्जी मुझे नहीं लगता मैंने कहीं ट्राई करी होंगी। तो 25 रुपये की जो आपको प्लेट मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, डोने के अंदर सब्जी मिलेगी और साथ में 5 पूड़ियाँ मिलेंगी। दोस्तों हम ज़रूर ट्राई कर रहे थे कि हम यहाँ पे भी खाने का दिखाएं आपको, लेकिन यहाँ के ऑनर इतने बढ़िया, उन्होंने हमें बिठाया कि सर आप पहले अंदर ट्राई करिए, उसके बाद पेट में अब जगह नहीं है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे मिलने वाली है। सब्जी पूड़ी बिल्कुल सेम जगह से बन रही है, वही यहाँ पे आ रही है, वही अंदर जा रही है।
और सबसे आप अनलिमिटेड टाइम्स डलवा सकते हैं। श्री राम मिष्ठान भंडार, मिष्ठान भंडार का नाम मैं कब लूँगा, श्री राम पूड़ी वाले मैं ज़्यादा कहूँगा इन्हें, क्योंकि इनकी पूड़ी सब्जी के काम पूरे आगरा में सबसे बेहतर सबसे ज़्यादा है। ये क्राउड 1% भी नहीं है, 24 घंटे खुली रहती है दुकान आपकी सेवा में, बस स्टैंड के पास है। तो भाई कभी भी आइए, रात के 2 बजे भी आप उतरते हैं तो आपको खाने की दिक्कत तो ये नहीं होने देंगे।